एबीपी न्यूज़ 24x7 सच्चाई कलम की नोक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। यहां इस वक्त की बड़ी खबर, पत्रकार को गोली मारने वालों की गिरफ्तारी न होने से पत्रकारों में आक्रोश। पत्रकार एकता संघ के तत्वाधान में पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। सागन थाना लाइन बाजार क्षेत्र में विगत 14 दिन पहले न्यूज वन इंडिया के जिला संवाददाता देवेंद्र खरे के ऊपर जान से मारने की नीयत से चलाई गई गोली में नामजद अभियुक्तों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होने के बाद भी गिरफ्तारी न होने से सभी पत्रकार आक्रोशित होकर धरने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने एकत्रित होकर SP जौनपुर को देवेंद्र खरे, तबरेज नियाज, सिराज अहमद, राकेश शर्मा, मनीष कुमार, विकास सेठ, कपिल आसिफ, विनय कुमार, मोनू कुमार, दिलीप कुमार आदि लोगों ने ज्ञापन देते हुए गिरफ्तारी की मांग की, जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक जौनपुर अजयपाल शर्मा ने 8 दिनों की मोहलत मांगी और उन्होंने कहा कि 3 टीम गठित करके लगा दी गई है, शीघ्र ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। जांच चल रही है, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना ही प्रभावशाली क्यों ना हो। वहीं पर आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इनके जिलाध्यक्ष व विधायक जब देश के चौथे स्तंभ पर नहीं हो रहे हैं तो आम जनमानस का क्या हाल होगा, आप खुद ही आंकड़ा लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि 8 दिन के अंदर अगर कार्रवाई नहीं होती तो आम आदमी पार्टी के सभी लोग पत्रकारों के साथ सदन से लेकर सड़क तक विरोध धरना में सहयोग करेंगे। आइए देखिए दिलीप कुमार की खास रिपोर्ट। क्या समस्या है, जैसे कि आपको पता है गोली में चला था, जाने का हमला हुआ था, कार्रवाई हुआ नहीं? देखिए 14 दिन पहले आपको बैठा था, खबरों को लेकर हमने एक खबर प्रकाशित किया था, अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर जानलेवा हमला और तमाम ऐसे वीडियो वायरल था, उसकी मैंने खबर प्रमुखता चलाया था, जिसमें ऋतुराज सिंह छोटू के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ 8 दिन के बाद। उसके बाद जैसे 8-10 दिन बाद मुकदमा दर्ज होता है, हमारे ऊपर प्राणघातक हमला होता है, एक ऑफिस पर गोली चलाई जाती है, तो इस पर की बात यही कि मेरा हाथ मोबाइल था, उससे हम बच गए। लगभग इस घटना को आज 14 दिन हो गए, अभी तक हमलावर गिरफ्तार नहीं है हुए हैं, जो कि 307, 508, 120 बी जैसी गंभीर धाराएँ, उसके बाद एक्चुअल भी है, 325 भी धारा बढ़ जाएगी, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं है, जिसमें ऋतुराज सिंह छोटू नामजद FIR उनका दर्ज है। लेकिन कहीं ना कहीं शासन सत्ता के दबाव के उनका छोटा भाई जिला अध्यक्ष है और ऋतुराज सिंह छोटू जो है वो माफिया किस्म का आदमी है, मुन्ना बजरंगी का एक समय छोटे हुआ करता था, अपने दबंगई से वो तमाम अपराधी का इतिहास है। अभी जो एक सप्ताह के अंदर 2 मुकदमा होने के बावजूद भी वो खुलेआम घूम रहा है, ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सदन में विपक्ष के सामने कहते हैं कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, ऐसे में अपराधी को जिस हिसाब से कार्रवाई किए हैं, 12 दिन हो गया, इनको कब मिट्टी मिलाएंगे? अपने BJP के जिला अध्यक्ष जो राज जी हैं उनके घर पर कब बुलडोजर चलाने का काम करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है कि विपक्ष के नेताओं से कहते हैं कि अपराधियों को मिट्टी मिला देंगे, तमाम लोग कहते हैं कि अगर हमलावर मुस्लिम होता तो अब तक बुलडोजर चल जाता, लेकिन कहीं कहीं साफ प्रतीत होता है कि हमलावर ठाकुर है, इसलिए अभी तक उनका बुलडोजर वहां तक नहीं पहुंचा है। अब देखना यह है कि शासन और पुलिस प्रशासन किस तरह से कार्रवाई करता है। अभी SP साहब मुलाकात हुई आपसे आज, जो कि हम लोग सभी समस्त पत्रकार लोग आज धरना के मन से आए थे कि आज हम लोग धरना करेंगे, प्रशासन की पूरी करतूत को उजागर करेंगे कि किस तरह से पत्रकार जो बिना सुरक्षा के बिना भय के अपनी खबरों को प्रकाशित करता है, आए दिन जान से खेल के अपना खबरों को निकालता है और आम जनता के लोगों के लिए न्याय दिलाता है, ऐसे में हम लोग भी सुरक्षित नहीं होंगे तो आम जनता किस तरह सुरक्षित होगी, यह बड़ा सवाल उठता है। आज कप्तान साहब ने एक सप्ताह का समय मांगा है कि एक सप्ताह के बाद हम लोग सही खुलासा करेंगे, अगर एक सप्ताह के बाद खुलासा नहीं करते हैं तो हम लोग धरना करने की बात। फिर गोली जो है कि किस रेट में चला था, कितना लंबित हो गया है समय? देखिए घटना लगभग आज 14वां दिन है, 14 दिन हो गया, उसके बाद एक हफ्ता समय होता है, दिल्ली में बनी हुई है और लगातार हर पहलू पे जा रही है, उसमें रिश्वत कार्रवाई होगी, चाहे दूसरा व्यक्ति कितना प्रभावशाली हो किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये मैं आपको सुनिश्चित वचन दे रहा हूँ। आपका भरोसा? नहीं नहीं 100% भरोसा है, ठीक है, बट ये है कि क्योंकि फेयर कार्रवाई होगी, इसीलिए अगर हमें फर्जी वाला करना होता तो कब तक, तो फर्जी वाला करने में विश्वास रखते हैं? नहीं नहीं आप सुरक्षा में दी हुई है ताकि कोई ऐसे दिक्कत।
राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।